टॉपिक गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, द टॉपिक टूडे वी विल डिस्कस विद यू लाइंस एंड एंगल. यस्टरडे आई डिस्कस विद यू द डेफिनेशन ऑफ लाइंस एंड एंगल. कल हमने सारी डेफिनेशन जो हैं अबाउट द लाइंस एंड एंगल्स वी डिस्कस, एंड टूडे वी विल टेक सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लाइंस एंड एंगल. ओके, लाइंस और एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 9.1, आई हैव गिवन द होमवर्क ऑल्सो, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन, बट अगेन वी विल टेक दिस क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड यू टेल मी द रीजन ऑल्सो, कैन टू राइट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन टू राइट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री. क्या दो राइट एंगल अगर उनको एड कर दिया जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है? नो, बिकॉज राइट एंगल इज मेड बाय 90 degree, एंड अगर मैंने टू एंगल्स ले लिए इट इज इक्वल टू 180. ये सप्लीमेंट्री तो हो सकती है दो राइट एंगल, बट इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का डेफिनेशन बताई थी यस्टरडे, द सम ऑफ टू एंगल मेजर इज 90 degree, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री. बट सप्लीमेंट्री एंगल, वेन द सम ऑफ टू एंगल मेजर इज 180, देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री. सो दिस इज ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन टू राइट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. राइट एंगल, टू राइट एंगल व्हेन वी विल टेक टुगेदर इट मे बी सप्लीमेंट्री, नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री. सो द सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड क्वेश्चन, कैन टू राइट एंगल बी सप्लीमेंट्री. तो आप आंसर लिखेंगे यस. कैन टू राइट एंगल बी सप्लीमेंट्री, तो आप यू विल राइट डाउन द आंसर यस, इट मे बी सप्लीमेंट्री. इनका सम 180 होगा, बट इट कैन नॉट बी 90, इक्वल टू द 90. व्हेन यू आर एडिंग 90 प्लस 90, इट इज इक्वल टू 180, नॉट 90. सो इट मे बी सप्लीमेंट्री, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. और योर थर्ड क्वेश्चन इज, कैन टू एडजेसेंट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री. क्या दो एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? यस, कैसे हो सकते हैं? आई विल गिव द सॉल्यूशन आल्सो. कैन एडजेसेंट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री. क्या दो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल आर दोज एंगल विच हैव वन कॉमन आर्म एंड टू नॉन कॉमन आर्म. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग द फिगर एंड वन एंगल मेजर इज 45 एंड अनदर एंगल इज ऑल्सो मेजर इज 45, एंड इफ आई एड दिस टू एंगल, बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल इज एडजेसेंट एंगल बिकॉज देयर इज वन कॉमन आर्म, इफ आई एड दिस टू एंगल देयर सम इज इक्वल टू 90, सो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री. तो आप आंसर क्या लिखेंगे? यस, टू एडजेसेंट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन टू एडजेसेंट एंगल बी सप्लीमेंट्री. यस, इसका आंसर भी आएगा यस. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. कैन टू एडजेसेंट एंगल बी सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि जब एक कॉमन आर्म होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जब एक कॉमन आर्म, एक आर्म इधर है, आइदर साइड पर दोनों आर्म हैं, बाकी दो आर्म्स, तो इन दो एंगल्स का जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल वन इज 60, वन इज 120, तो इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया दे फॉर्म द 180 degree. सो टू एडजेसेंट एंगल बी सप्लीमेंट्री. तो आप आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर भी आप क्या लिखोगे? यस, टू एडजेसेंट एंगल बी सप्लीमेंट्री.
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल बी एडजेसेंट्स, क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल, व्हाट आर ऑब्ट्यूस एंगल एंड एक्यूट एंगल, कल इसके बारे में आपको बताया नहीं था। एक्यूट एंगल आर दोज एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं जिनका मेजर 90 डिग्री से कम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेस देन 90 डिग्री कौन कौन से एंगल होंगे, पूरे स्टार्टिंग से 0 से लेकर 89 तक, ऑल आर द एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं मेजर 90 से ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड हुज वन एंगल मेजर इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड अ राइट एंगल। और अब हमारा क्वेश्चन है कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल बी एडजेसेंट्स, कैन टू बी एडजेसेंट्स, क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल एडजेसेंट्स हो सकते हैं, तो यू विल राइट डाउन द आंसर यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एंगल मैंने यहां पर ले लिया आपका, फॉर एग्जाम्पल वन एंगल हियर 130 डिग्री एंड अनदर आई हैव इसका भी इन दो लाइनों के बीच का, ये दो नॉन कॉमन आर्म के बीच में एक ये कॉमन आर्म है, तो दो एडजेसेंट एंगल भी आपस में क्या हो सकते हैं, एडजेसेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। दो ऑब्ट्यूस एंगल भी आपस में क्या हो सकते हैं, एडजेसेंट्स हो सकते हैं, ऑब्ट्यूस मतलब जिनका मेजर ग्रेटर देन 90 हो। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट्स टू द ऑब्ट्यूस एंगल, ये तो यहीं पर ही आपको पता चलेगा। देखो 60 डिग्री का जो मेजर है वो एक्यूट है और 120 जो मेजर है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट्स है ना, तो यस वन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट्स ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस ही होगा। तो यहाँ पर सिक्स का आंसर लिखो कैन टू एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट, कैन एन एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल बी एडजेसेंट, क्या ये एडजेसेंट हो सकते हैं, तो आप लिखोगे यस इट कैन बी एडजेसेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एंगल मैंने 60 डिग्री का लिया, यहाँ पर फिगर से ड्रॉ करके बताती हूँ, एक एंगल मैंने 60 का लिया एंड अनदर एंगल आई हैव टेकन 120, 60 इज द एक्यूट एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 और 120 इज द ऑब्ट्यूस एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90, सो दे फॉर्म एन एडजेसेंट एंगल, तो आप आंसर क्या लिखोगे, यस। और लास्ट है आपका कैन टू राइट एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर, यस दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, कल मैंने आपको बताया था कि लीनियर पेयर का मतलब व्हेन द टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कैन टू राइट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर, फॉर्म अ लीनियर पेयर, मैंने कल आपको बताया था लीनियर पेयर मतलब दो एडजेसेंट एंगल व्हेन फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड द लीनियर पेयर। और यहां पर आपको दो राइट एंगल दे रखा है, तो ये मैंने एक राइट एंगल बनाया, ऑन अनदर एंगल जो है वो भी मैंने 90 डिग्री ही बनाया, तो ये दोनों जो हैं मिलकर दोनों का सम 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180, सो इट इज फॉर्मिंग एन लीनियर पेयर। तो दो राइट एंगल को व्हेन वी कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ लीनियर पेयर बिकॉज देयर सम इज इक्वल टू 180। नाउ दिस ट्रू फॉल्स इज ओवर, आपके ये जो आंसर यस और नो में आंसर देना था आपको, this is complete now question number 1। now I am taking your second question, और second question
को कल मैंने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में एक्सप्लेन किया था आपको, एंड हाउ द वन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री द अदर, वो कैसे कॉम्प्लीमेंट होता है दूसरे का, ये मैंने फाइंड करना आपको बताया था सेकेंड क्वेश्चन में. इन द सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द फिगर इट इज गिवन ओनली 25 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट. आप कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट दो एंगल का सम व्हेन इट इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री. और व्हेन यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन एंगल हाउ यू विल फाइंड, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एंगल 95 फ्रॉम 90. आप 25 को 90 में से सब्ट्रैक्ट करके पता कर सकते हो. अगर आपने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि 25 का कॉम्प्लीमेंट क्या है. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री. तो यहां पर आंसर लिखोगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री बिकॉज व्हेन यू ऐड दिस टू एंगल देयर सम इज इक्वल टू 90. सो वन एंगल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अनदर एंगल. एंड द सेकेंड फिगर इज 63 डिग्री. 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको फाइंड करना है. तो हाउ यू विल फाइंड, 90 में से 63 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका आ जाएगा. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 63 फ्रॉम इट यू विल गेट 27 डिग्री. तो इट मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री, द कॉम्प्लीमेंट एंगल, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज 27 डिग्री. 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 27, क्योंकि इसे पूरा 90 बनाने के लिए 63 को यू नीड 27 डिग्री मोर. तो आपको 27 डिग्री और चाहिए तभी उसका सम जो है 90 आएगा. सो 63 का कॉम्प्लीमेंट और अनदर एंगल क्या चाहिए आपको, 90 में से सब्ट्रैक्ट करके आपको पता चल जाएगा कि दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है. ठीक है, नाउ इसका थर्ड पार्ट खुद करना. नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द सप्लीमेंट. फाइंड द सप्लीमेंट, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सप्लीमेंट. कैसे फाइंड करोगे, वन एंगल इज गिवन हियर 105 डिग्री. अगर एक एंगल आपको 105 गिवन है तो हाउ यू विल फाइंड द सप्लीमेंट. पहले सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन कल आपको बताई थी, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल मेजर इज 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. तो अगर आपको इसका सप्लीमेंट फाइंड करना है 105 का, तो हाउ यू विल फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 105. 180 में से 105 माइनस करके देखो तो यू विल गेट द सप्लीमेंट ऑफ 105. सो व्हेन यू ऐड 75 इन 105 यू विल गेट 180. तो कंप्लीट सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा ना. तो सप्लीमेंट ऑफ 105 क्या हुआ आपका, 75. और अनदर क्वेश्चन आई एम टेकिंग 87 डिग्री. यू हैव गिवन 87 डिग्री. फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री. सो सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 87. आपको 180 में से 87 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो 180 में से 87 सब्ट्रैक्ट करो, ये आपका आ जाएगा 93 डिग्री. तो सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इफ यू हैव टू फाइंड, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द 180 एंड यू विल फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल ऑफ 87. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन में यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री. व्हेन द टू एंगल मेजर इज इक्वल टू 90
then it is complementary. When the two angle measure is 180, then it is supplementary. तो यहाँ पर कुछ questions दे रखे हैं, आपको यहाँ पर judge करके बताना है कि whether it is complementary or supplementary. identify करना है. question number 4, identify whether it is complementary or supplementary. first is 55 degree or 125 degree. when you add these two angle, अगर आप इन दोनों को add करते हो तो क्या आता है आपका, 125 में 55 add करते हो तो आपका आता है 180 degree. ठीक है, तो इसका मतलब अगर सम 180 आ गया तो वो कैसा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल. तो आप इसको क्या नाम देंगे, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल मेजर इज 180, देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री. द सेकंड क्वेश्चन इज 34 डिग्री एंड 56 डिग्री. यू हैव टू ऐड दीज टू एंगल, आप ऐड करके देखो इन दोनों एंगल्स को. ये आ गया आपका 90 डिग्री. तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल मेजर इज 90 डिग्री, देन यू विल कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, यू विल कंप्लीट इट योरसेल्फ बाकी क्वेश्चन. ठीक है, नाउ आई विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. ओके, क्योंकि इसमें तो आपको एड करके ही दिखाना है. अगर एड करके 180 आएगा देन यू कॉल इट सप्लीमेंट्री. व्हेन द adding the two angle its sum is equal to 90, then you call it complementary. Now the fifth question, find the angle which is equal to its complement. aisa kaun sa angle hai jo apne complement ke hi equal hai, to hum let kar lete hain. let the angle be x. to uska jo complement hoga, agar ek angle x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 90 में से x माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा. तो आपको क्या बताना है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. ये दोनों एंगल जो हैं वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं. तो माइनस x को इधर ट्रांसपोज कर दो, x प्लस x इक्वल टू 90. सो 2x इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है. तो जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई में होती है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाती है, डिवाइड. तो एंगल 45 जो है उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, 90 में से 45 माइनस करोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, 45. क्योंकि 45 में 45 प्लस करने से उसका सम क्या आ जाता है, 90. इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो हाउ यू विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ विच विच, जो कि दोनों सेम है, विच आर सेम. तो जब हम एक्स में एक्स प्लस कर देते हैं तो देयर सम इज इक्वल टू 90 एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. द 45 इज इक्वल टू द एंगल ऑफ 45, इट्स कॉम्प्लीमेंट. एंड सेम क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट भी, लेट द एंगल बी एक्स. तो अगर वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है तो इसका मतलब दूसरा सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है सप्लीमेंट्री में. तो 180 माइनस एक्स, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में 90 माइनस एक्स होता है ना, ऐसे ही सप्लीमेंट्री में अगर आपको सप्लीमेंट एंगल चाहिए तो वो 180 माइनस एक्स होगा. तो अब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है. तो माइनस एक्स को इधर ट्रांसपोज करेंगे, अगर आप इधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस एक्स हो जाएगा. 1x में 1x प्लस करेंगे, इट इज इक्वल टू 2x. और व्हेन यू ट्रांसपोज 2 ऑन द राइट हैंड साइड, अगर आप 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, 2x का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई एक्स. तो अगर आप यहां से 2 को उठा के राइट हैंड साइड में लेकर जाते हो
तो वो डिवाइड में आ जाता है, तो 290 जा 180, 2 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। तो हमारा एक एंगल अगर 90 है तो दूसरा भी क्या होगा 90, क्योंकि 90 में 90 प्लस करते हो यू विल गेट द आंसर 180, दे आर इक्वल टू वन अनदर एंड देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 क्वेश्चन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको गिवन है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो x प्लस 4 डिग्री है और दूसरा है 2x माइनस 7 डिग्री एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर, उनका मेजर कितना दे रखा है आपको, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है x प्लस 4 डिग्री और दूसरा आपको दे रखा है 2x माइनस 7 डिग्री। जब हम इन दोनों एंगल्स को प्लस कर देते हैं, एक एंगल तो पूरा x प्लस 4 है और दूसरा एंगल है प्लस 2x माइनस 7, अगर मैंने इसमें ये प्लस कर दिया तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम क्या है 90 डिग्री के बराबर है। अब x वाली रकम में, x वाले वेरिएबल में x वाला वेरिएबल ही प्लस होगा क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, x जो है वो वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएबल यूज नहीं है, 2x हमारा वेरिएबल यूज है और माइनस 7 आपका कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट में कांस्टेंट प्लस होंगे, वेरिएबल वाले सेम वेरिएबल वाले में सेम वेरिएबल वाला ही नंबर एड होगा। तो 2x में 1x प्लस करोगे आप तो क्या आ जाएगा 3x और माइनस 7 प्लस 4 इट इज इक्वल टू माइनस 3, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और बड़े वाले का साइन लगेगा माइनस। अब 3 और 90 दोनों के साथ वेरिएबल यूज नहीं है, दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस 3 को इधर पहले ट्रांसपोज कर दो तो ये आपका क्या आ जाएगा 90 प्लस 3, तो 3x बराबर आ गया 93। अब आपका मैंने जैसे 2x के बारे में बताया था 2 मल्टीप्लाई एक्स है, तो ऐसे ही 3x का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई एक्स, जब आप 3 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो वैल्यू आपकी x की क्या आ जाएगी 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यहां पर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई 31, x की वैल्यू क्या आ गई 31। तो आपका ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 31 प्लस 4 अगर आप पुट करते हो, तो पहला एंगल आपका x प्लस 4 था तो 31 प्लस 4 तो पहला एंगल तो आपका 35 डिग्री आ गया और सेकंड एंगल है 2x माइनस 7, x की जगह आपको क्या पुट करना है 31 माइनस 7 62, 31 2 जा 62 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। आप इन दोनों एंगल को प्लस करके भी देख लो आपका 35 प्लस 55 दोनों का सम क्या आएगा 90, बिकॉज दीज टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ आया आपको ये क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करती हूं बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन दे रखा था टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हूज मेजर इज x प्लस 4 डिग्री एंड 2x माइनस 7 डिग्री, वन एंगल इज x प्लस 4 एंड द अनदर एंगल इज 2x माइनस 7, दीज आर द वेरिएबल 1x, जहां पर x के आगे कोई नंबर नमेरिकल नंबर नहीं है इसका मतलब वहां पर 1 लिखा हुआ है, तो 2x में 1x जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3x और 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और साइन क्या लगेगा माइनस का। नाउ 90 और 3 के साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ, माइनस 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे लेकर जाएंगे तो प्लस 3, साइन चेंज हो जाता है, माइनस बिकम प्लस एंड प्लस बिकम माइनस, साइन आर चेंज, सो 3x इक्वल टू 93 एंड इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 3 मीनिंग ऑफ 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x, व्हेन यू टेक द वैल्यू ऑफ x, जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 3 इधर लेकर जाओगे तो डिवाइड करोगे
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 31। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, क्योंकि आपको दो एंगल फाइंड करनी है। x की जगह मैंने पुट कर दिया 31 + 4, तो फर्स्ट एंगल क्या आ गया 35, और यहाँ सेकेंड एंगल था 2x - 7। 2x का मतलब 2 × x, 2x का मतलब क्या होता है, 2x का मतलब क्या है 2 × x, और x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 31, 31 × 2 = 62 - 7, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 55। नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। Now see the next question. Two supplementary angle are in the ratio 2:7. Supplementary angle मतलब two angle का sum 180 होना चाहिए, तब वो angles क्या कहलाते हैं, supplementary angle. And you have given the ratio. Ratio is given here 2:7. The ratio of two supplementary angle. The ratio of two supplementary angles be, let कर लेते हैं 2x and 7x, क्योंकि आपको रेशो दे रखी थी, तो मैंने रेशो के साथ ये रेशो दे रखा था 2:7, तो मैंने let कर लिया कि एक एंगल 2x है और दूसरा क्या है 7x। अब ये दोनों सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का जो सम है that is equal to 180. When the measure of two angle, sum of the measure of two angle is equal to 180, then it is called supplementary. When I add 2x in 7x, we will get 9x. और 9x का मतलब क्या है, 9 × x, तो 9 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, 9 × 2 = 18, 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 20 आ गई। अभी हमने x की वैल्यू फाइंड किया 20, क्या वैल्यू आ गई है हमारी x की, 20 आ गई है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस एंगल, पहला एंगल आपका 2x था, तो पहले एंगल 2x का मतलब 2 × x, तो x की जगह मैंने यहाँ पर 20 पुट कर दिया है, तो पहला एंगल आपका कितना आ गया 40 डिग्री, और दूसरा एंगल था आपका 7x, 7x का मतलब 7 × x, तो आपको x की जगह 20 पुट करना है, तो आपका सेकेंड एंगल का मेजर क्या आ गया 140 डिग्री। When the sum of two angle measure is equal to 180 डिग्री, आप इन दोनों को एड करके भी देख लो, इन दोनों का सम क्या आएगा 180, बिकॉज दे आर द सप्लीमेंट्री एंगल। एंड मैंने पहले इसे लेट किया था, और लेट करके दोनों को किसके इक्वल कर दिया था, 180 के इक्वल कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, आप क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो। अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल, आपके पास दो एंगल हैं, दोनों दो सप्लीमेंट्री एंगल में से द मेजर ऑफ लॉन्गर एंगल, एक बड़ा है और एक छोटा एंगल है, जो बड़ा एंगल है द लॉन्गर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल, तो आपको लेट करना है, दो एंगल हैं सप्लीमेंट्री एंगल, लेट स्मॉलर एंगल बी एक्स, तो जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है, 44 डिग्री बड़ा है। ओके,
और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो इट मींस आप इन दोनों का जो सम निकालोगे दैट इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों जो है एक्स प्लस 44 दैट इज इक्वल टू 180, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो 1x में 1x प्लस करेंगे 2x प्लस 44 इक्वल टू 180, ठीक है ना। और जब आप 44 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन आर चेंज। और 2x इक्वल टू 180 में से 44 को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, 136, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो कितना आ जाएगा, 2 6 12 2 6 2 8 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 68। तो अगर हमारा स्मॉलर एंगल 68 है, हमने x लेट किया था ना, तो अगर हमारा स्मॉलर एंगल, x की जगह मैंने 68 लिखा, तो लार्जर एंगल क्या होगा, 68 प्लस 44, इससे 44 बड़ा होगा ना, तो उसका मेजर कितना आ जाएगा, 112 डिग्री। अब आप इन दोनों को प्लस करके देख लो, इन दोनों का जो सम है वो आपका 180 आएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या थे, ये दोनों एंगल, लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल, दोनों का जो सम था दैट इज इक्वल टू 180। एक आपका लार्जर एंगल आ रहा है 112, क्योंकि 90 से बड़ा आ रहा है, और एक आपका स्मॉलर एंगल आ रहा है वो है 68, 90 से कम आ रहा है। और दोनों का जो सम है अगर मैं टोटल करती हूँ तो देयर सम इज इक्वल टू 180। नाउ स्टूडेंट, यू विल आस्क द डाउट फ्रॉम मी।